सर षड्यंत्र तो खैराती इतना जबरदस्त रच रहे हैं कि हकला के फिल्म को ऐसा बता रहे हैं कि अरबों का सम वाली फ्लॉप फिल्में, वो आमिर खान की फिल्में फ्लॉप हुई, सुपरहिट साबित कर दिया गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या खेल है सर? मैं फिर बता रहा हूँ मनीष जी की, ये फिर एक बार एजेंसियां और सरकार कटघरे में है, एजेंसियां और सरकार कटघरे में है। मनीष जी जरा पहले खबरें दिखा दीजिए, मैंने डाली हैं दोनों, उसके बाद लोगों की बात समझ में आएगी। मैं कहने बताने क्या जा रहा हूँ कि पूरी तरह से बेनकाब हो गया ये, कैसे फिल्म के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की धंधा चल रहा है। दर्शक इसको देख लेंगे तो, मैं अभी स्पष्ट करता हूँ, तो इसके नीचे वाला है मनीष जी। हाँ ये दोनों खबरें हैं ये। भारत में गदर के लिए सिनेमा हॉलों में जवान से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ी, लेकिन विदेशों में 28 दिनों में गदर ने कमाए 56-65 करोड़ रुपए। जवान ने विदेशों में जी कमाए 5 दिनों में कमाए 250 करोड़। ये वही खेल जो आपने पिछले दिनों समझाया था सर। ये मनीष जी, मनीष दिखा दीजिए जरा खबर दोनों, फिर बताता हूँ कि ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स की, जो बता रहे कि जवान ने 5 दिन में कुल 574 करोड़ रुपए कमाए और हिंदुस्तान में 319 करोड़ रुपए कमाए, यानी 255 करोड़ रुपए जवान ने 5 दिन में विदेश में कमा दिया मनीष जी। लेकिन मनीष इस पर मुझे मुझे कोई आपत्ति ना होती, जरा बगल वाली खबर दिखाइए, वो इस खबर की कलाई खोल रही है, इस पूरे गोरख धंधे काले धंधे की। ये मनीष जी खाली ऊपर वाला दर्शक पढ़ लें कि 32 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है गदर का है वो 674 करोड़ रुपए, और इसमें से ओवरसीज कलेक्शन केवल 65 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी जो पिक्चर के यहाँ पूरे हिंदुस्तान में धूम मची हुई है उसको विदेशों में केवल 65 करोड़ रुपए की आमदनी उसकी हुई 28 दिन में, और जवान की आमदनी 5 दिन में 255 करोड़। तो ये कौन से लोग हैं जी कि हिंदुस्तान में, अभी मनीष जी वो वीडियो पढ़ नहीं रहा है ट्विटर पे, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, दोनों की मैं फर्स्ट शो की क्लिपिंग रखे हूँ, तो वो दिखाऊंगा आज नहीं कल दिखाऊंगा। तो जरा ये समझिए कि जवान गदर को लेके कैसा गदर मचा पूरे देश में, सबने देखा है, सबने अनुभव किया है, लेकिन उस पिक्चर को 65 करोड़ रुपए विदेशी दर्शकों से मिले, और जवान को जितने यहां मिले उतना ही समझिए करीब करीब उससे 70-80% उसको विदेश, तो विदेश में ऐसा कौन सा दीवाना है जो गदर नहीं देख रहा, जवान वो देख रहा। तो ये मनीष जी जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं, ये एक गोरख धंधा है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा खेल हो रहा है। हमारे यहाँ एजेंसियां इनकम टैक्स, तो मैंने पहले भी कहा था कि ईडी कभी किसी बॉलीवुड वाले के दरवाजे नहीं पहुंची आज तक, इनकम टैक्स अभी तक किसी बॉलीवुड वाले के दरवाजे नहीं पहुंचा, सीबीआई नहीं पहुंची, एनसीबी में लाइन लगा दी थी समीर वानखेड़े ने, तो उस समीर वानखेड़े को निपटा दिया गया। तो ये बॉलीवुड तो अब भी शासन कर रहा है, वो कौन बैठा है पीएमओ में या इस सरकार में, ये तो ये एक पहेली है मेरे लिए, तो पहेली है कि जिस हिसाब से मनमानी तरीके से चल रहा है खेल। और मनीष जी मैं वो वीडियो में दर्शकों को मैं कल जरूर दिखाऊंगा कि आप चौंक जाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की भीड़ आप गदर की और फर्स्ट डे फर्स्ट शो की भीड़ आप जवान की देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन वो पिक्चर हिंदुस्तान में उसने गदर काट दिया और विदेशों में 250-250 करोड़ रुपए, तो ये सीधे सीधे नंबर 1 का पैसा, नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में बदला जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का बड़े पैमाने पे खेल चल रहा है। और वो अधिकारी बेचारे कंबल तान के सो रहे हैं ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के, और वो जानते हैं क्यों सो रहे हैं, अब तो बिल्कुल साफ हो गया मनी, उनको मालूम है कि अगर हमने जागने की कोशिश की तो हमारा हाल भी, ये हकला अपने गुर्गों के जरिए समीर वानखेड़े जैसा ही करवा देगा। तो ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ये सब पाखंड है, जब बॉलीवुड की बात आती है सरकार सरेंडर है, और सरकार का कोई बड़ा नेता शाहरुख खान के चरणों में लौट रहा है, बिल्कुल तय है इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और ये दर्शक समझ लें कि आप बॉलीवुड के गुलाम थे, आप बॉलीवुड के गुलाम हैं और आप बॉलीवुड के गुलाम रहेंगे, चाहे वो प्रसून जोशी बैठा हो सेंसर बोर्ड में और चाहे हकला बैठा हो बॉलीवुड में, सबकी गुलामी आपको करनी है। ये नंगा नाचेंगे, आपकी खोपड़ी पे नाचेंगे, सनातन की खोपड़ी पे नाचेंगे, इस देश की छाती पे नाचेंगे, सरकार इनके आगे सरेंडर है, अच्छा लगे या बुरा लगे, बिल्कुल सच यही है कड़ुआ। बिल्कुल सर, ये तब हो रहा है जब सनातनियों ने, राष्ट्रवादियों ने,
हकलों को, इन तमाम जिहादियों को घर बैठा दिया है। मतलब इनकी तमाम फिल्में फ्लॉप हो गई है, इन सब ने मुंह से बकार निकलना इनका बंद हो गया, जो कहते थे कि अब इस देश में खतरा है। ये बोलता था ना आमिर खान कि मेरी बीवी बोलती है कि डर लगता है, ये सबके सब चुप हो गए डर के मारे। इनकी फिल्में नहीं चल रही है, लोग देख नहीं रहे हैं, फिर भी सुपरहिट साबित कर दिया जा रहा है अदालत लगाने वाले संपादकों के द्वारा, तिहाड़ रिटर्नों के द्वारा। इतनी बड़ी साजिश हो रही है जिसे हल्के और नहीं नहीं और सरकार में कहते कि बैठे किसी बहुत बड़े चमचे के द्वारा, बहुत दो, मतलब ये जो समीर वानखेड़े को क्लीन चिट है जो अदालत करी कि वो निर्दोष है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि समीर वानखेड़े का निर्दोष होना सामान्य घटना नहीं है। समीर वानखेड़े का निर्दोष होने का मतलब ये है कि शाहरुख खान का लौंडा निर्दोष नहीं था, नहीं ये समझिए आप, ये खेल हुआ है। तो ये एक तरह से पूरे खासकर जो भाजपा के समर्थक है उनकी आंखों में धूल नहीं मिर्चा झोंकी गई है, ये बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए। और एक कौन आदमी कर रहा है बैठ के, उस दलाल को पकड़ के सामने लाया जाए। बिल्कुल सर, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में जो खेल परसेप्शन बनाने वाले जो लोग हैं, इस सरकार में भी वही लोग हैं यही जो सोनिया गांधी के इशारे पे काम करते रहे हैं, वही यहां बुते हुए हैं, तो फिर क्या हस्त्र होगा ये समझ लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं यदि राष्ट्रपति भवन में उन्हीं की एंट्री है, वही लोग खेल खेल रहे हैं जो सोनिया गांधी का एजेंडा चला रहे थे, तो फर्क क्या पड़ना है? मैंने मनीष जी बताया ना आपको कि इसीलिए भाजपा के पतन का कारण यही होता है, जब तक अटल जी रहे तब तक भाजपा की गाड़ी चली, और जैसे ही अटल जी सीन से हटे तो चौथे नंबर की पार्टी यही भाजपा हो गई थी। भी राजनीतिक भिखारी, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भिखारी से भी बदतर स्थिति कांग्रेस इसकी थी। तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई चुनाव में लड़ते थे, चुनाव शुरू होने से पहले पब्लिक कह देती थी कि भाजपा तो कहीं है ही नहीं तीसरे चौथे पे, अटल जी के हटते ही, क्योंकि एक आदमी की पीठ पे लदे हुए थे। और यही कुकर्म हो रहा था जो कुकर्म इसमें मोदी के हो रहा है। और जब भी मोदी हटेंगे 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो ये बिल्कुल इसी, ये इनके सारे लक्षण मुझको अटल जी के कार्यकाल के बिल्कुल वही लक्षण नजर आते हैं कि लदे रहो इस आदमी की पीठ पे। ये तो विक्रमादित्य की तरह, जैसे विक्रमादित्य ने बैताल को ढोया था, तो मोदी तो बैताल की तरह मुझको ढो ही रहे, और उसके बाद इतना माल कमा लेंगे देखा जाएगा फिर क्या फर्क पड़ता है। मगर पार्टी पार्टी की वही हस्त होगा जो 2004 में मैं देख चुका हूं, और बिल्कुल मुझको एकदम जैसे रूटीन नहीं हो कि दोबारा रिपीट हो रही है सामने से पिक्चर, वही पिक्चर मुझको नजर आ रही है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी के दम पे, उसी के नाम पे जीतेंगे, उसी के नाम पे मौज लेंगे, और उसके बाद जैसे नरेंद्र मोदी सीन से हटेंगे, आज नहीं 5 साल बाद 10 साल कभी तो हटेंगे, और उस समय ये पार्टी आपको औंधे मुंह गिरी नजर आएगी। उसकी वजह बता दूं कि जो वारिस और उत्तराधिकारी अपने आप को बता रहे हैं उनके लक्षण भी कोई बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहे मुझको। बिल्कुल सही, जैसे जैसे बहुत और स्पष्ट कर दूं कि जैसे अटल जी के समय में वारिस उत्तराधिकारी बन के अटल अडवानी को नशा था, पीएन इन वेटिंग और लौह पुरुष और फलाना फक्कड़ जितना कर सकते थे सब कुछ उन्होंने करवाया, लेकिन जब अटल जी 2004 में चुनाव हारे तो भाजपा को सीटें मिली थी 143, और जब ये खुद आया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस देश की जनता ने भाजपा को सीटें दी 119। तो ये फर्क है, 2004 में 143 सीटें थी, 5 साल नेता विपक्ष में बैठे और मैं पीएम इन वेटिंग और मैं लव पुरुष, और 2009 में 119 सीटें, मतलब विपक्ष में रहकर मनीष जी सीटें घट जाना, इससे ज्यादा सर्वनाश कुछ हो नहीं सकता। तो ये नाटक मैं देख चुका हूं सारा, और मुझको, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझको वही रील मेरे सामने लग रहा है कि मैं पिक्चर दोबारा देख रहा हूं, और मैं इसीलिए मेरा भी लेना देना सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ही आदमी को उम्मीद है, और उसी आदमी से कुछ उम्मीद करता हूं, बाकी इनके बाकी जो सेना है उसके कर्म कुकर्म आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सर, और इसीलिए ये सच हमें बताना पड़ता है, कोई और बता नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें दूसरे दूसरे चैनल पे गेस्ट बन के 1000-2000 के लिए जाना है, हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। इसीलिए हम अदालत लगाने वाले संपादक, तिहाड़ रिटर्न और नकाब ओढ़ करके नए नए राष्ट्रवादी बने उन खैरातियों के खेल को भी हमें समझाना है। हम कोई दूरदर्शन और लोकसभा टीवी के लिए नौकरी के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते जो दूसरे हैं, इसीलिए हम वो सच जो नहीं बता पाएंगे हमें बताना पड़ता है। अब कहते हैं कि कितना आप चीजों को समझते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो चीज खतरनाक है, हाँ सतीश जी, बस वही उठाते हैं, क्योंकि हमें कोई अपेक्षा नहीं कि दूरदर्शन में कुछ हो जाए, सरकार के किसी प्रसार भारती में, क्या सरकार दे देगी हमें और सतीश जी को?
इसीलिए हम कोई अपेक्षा ही नहीं पालते कि नाराज हो जाए। कुछ कुछ लोग थे ना जो अपेक्षा पाल पाल करके आए, हमने मोदी भजन में बहुत कविताएं लिख दी, बहुत किताबें लिख दी, हमें मोदी भजन का इनाम नहीं मिला तो हम अब नया एजेंडा चलाएंगे। हमने कोई वो मोदी भजन का एजेंडा भी नहीं लिखा, हमें कोई अपेक्षा नहीं। बस चिंता इस बात की हम लोगों की है कि एक आदमी जो राष्ट्र के कल्याण के लिए निकला है, जो निश्चित रूप से उस कल्याण में है, उसके साथ बैठ करके खैरात का खेल जो लोग कर रहे हैं, उनकी पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश के साथ खेल रहे हैं। एक व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण के लिए, जो राष्ट्र के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहा है, सब कुछ वही नहीं करेगा ना, वो तो वो नहीं बन जाएगा ना कि 75 हाथ उसके हो जाएंगे, कि हर पत्रकार जो चिरकुट चिरकुट सब पे नजर रखेगा, हर वकील पे नजर रखेगा, सुप्रीम कोर्ट में कौन खेल कर रहा है, सॉलिसिटर जनरल का काम भी वही करने लगे, एडिटर का काम भी वही करने लगे, सुप्रीम कोर्ट का जज का भी काम वही करने लगे, ये तो संभव नहीं है ना सर। नहीं नहीं, वो तो अपेक्षा ही नहीं करता, वो अपेक्षा ही नहीं करता, इसीलिए मैं मुझको उस तरह कोई शिकायतें उनसे नहीं। लोग कहते हैं कि मोदी, अरे मोदी से सब सारा काम मोदी से करवा दोगे क्या? ये बाकी के जो बराती हैं, ये केवल माल खाने के लिए हैं कि खाएंगे, गधाएंगे, सोएंगे, अपने करेंगे, मंत्री कहलाने के लिए बैठे हुए हैं। वो आदमी 24 घंटे काम कर रहा है और 9 साल में उस आदमी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और उस तो विरोधी भी कहते हैं तो 24 आवर पॉलिटिशियन है। तो अभी आपने G20 में देखा, पता नहीं कितने बयाने क्या क्या उस आदमी को देखने हैं, लेकिन बाकी की फौज क्या कर रही है ये का, और सामने आपको उदाहरण दे दूं कि सोनिया गांधी क्या करती है, सारा काम तो बाकी की फौज करती है, वहां उल्टा है मनीष जी, वहां सोनिया गांधी कुछ नहीं करती, सारा काम बाकी की फौज करती है, यहाँ बाकी की फौज दोनों टांगे फैला के मौज लो जब तक है मोदी, अभी तो रही है मोदी है, जब तक मोदी है कोई आना नहीं। तो बड़ा ये बने कहा ना कि मैं 2004 में